गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम पढ़ेंगे स्किल इन ईवीएस का अगला क्वेश्चन. प्रक्रिया पर आधारित शिक्षक अधिगम या विधि महत्वपूर्ण क्यों है उसका वर्णन करना है. ठीक है, तो कह रहे हैं प्रक्रिया उपागम विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपागम है. प्रक्रिया उपागम वो उपागम है जिसमें छात्र अपनी समस्याओं से निपटने के लिए स्वयं चयनित विधि का इस्तेमाल करते हैं. इस उपागम में कई गतिविधियां शामिल होती हैं. छात्र इन्हीं गतिविधियों के द्वारा ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है. प्रक्रिया उपागम में अलग अलग विधियों का समावेश पाया जाता है. तो कुछ विधियां हैं यहाँ पर, कुछ 10 विधियां यहाँ पर दी गई हैं. पहली है अंकों का उपयोग, नापना, कल्पना और परिणाम, वर्गीकरण, संचारण, खोज करना, आदेशों का निर्माण करना, परिवर्तन पर नियंत्रण करना, प्रेक्षण और प्रयोग करना. ये कुछ 10 विधियां हैं प्रक्रिया उपागम में के प्रयोग की जाने वाली. ठीक है, उसके बाद है प्रक्रिया उपागम का प्राथमिक स्तर पर महत्व क्या है. तो कुछ 6 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं. पहला है शिक्षण विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपागम होता है ये. अगर हमें विज्ञान का शिक्षण करना है, विज्ञान का ज्ञान चाहिए हमें प्राथमिक स्तर पर, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है. इसमें विद्यार्थी खुद ही वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्या का हल खोज लेता है. दूसरा, खोज प्रवृत्ति पर बल देता है, मतलब बच्चा जो है मेहनत करे खोजने के लिए सवाल के जवाब को. स्थायी ज्ञान, मतलब जो बच्चे यहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं वो स्थायी होता है. ध्यान केंद्रित होना चाहिए, मतलब बच्चा जो है वो एक जगह पर अपना जो उसका उद्देश्य है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो इसमें बच्चों को जो है निरस्तता से छुटकारा मिल जाता है. कौशलों का विकास होता है, जो बच्चे में जो कौशल होते हैं, जो उनके स्किल्स हैं, उनका विकास यहाँ पे पाया जाता है. अनुशासनहीनता पर नियंत्रण, जो बच्चा इनडिसिप्लिन है वो नियंत्रित हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है, वो डिसिप्लिन मिल जाता है. तो निष्कर्ष निकला कि विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है, इसलिए प्रक्रिया उपागम का विज्ञान विषय में काफी महत्वपूर्ण योगदान है. विज्ञान उन तथ्यों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रयोगशाला में प्रमाणित किया जा सकता है. इस प्रकार प्रक्रिया उपागम विज्ञान शिक्षण के लिए आदर्श वातावरण पैदा करता है और उपयोगी सिद्ध भी होता है. अगला है पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रियात्मक कौशलों का वर्णन करना है. अब कौन कौन से प्रक्रियात्मक कौशल हैं, प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस. तो पहला है ऑब्जर्विंग, मतलब निरीक्षणात्मक. तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है कि अपने सामाजिक और प्राकृतिक आचरण के परिप्रेक्ष्य में स्वयं के कल्याण आदि के प्रति जागरूकता प्राप्त करता है. अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रखने में योगदान देने वाले तथ्यों को तत्वों को समझता है. अपने पर्यावरण से ही जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा करता है, उन्हें क्लासिफाई भी करता है और निष्कर्ष निकालता है. निर्जीव वस्तुओं के सामान्य गुणों का प्रेक्षण और उनका परीक्षण करता है. धरती और आकाश में होने वाली सामान्य प्राकृतिक घटनाओं का प्रेक्षण करता है और निष्कर्ष निकालता है. ये मुख्य क्षेत्र आगे उपक्षेत्रों में बट जाते हैं. प्रत्येक उपक्षेत्र में क्षमताएं और उपक्षमताएं पाई जाती हैं. इन उपक्षेत्रों में अक्षमताओं और उपक्षमताओं का इस प्रकार निर्धारण किया गया है कि अध्यापक छात्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए उपकरण और कार्यकलाप आयोजित कर सके. प्राथमिक स्तर के अंत में सभी छात्रों को पहचान की क्षमताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए. अगला है वर्गीकरण करना, मतलब क्लासिफाई करना. विद्यार्थी एक या एक से अधिक प्रमाण के आधार पर वस्तुओं को क्रमबद्ध करता है. विद्यार्थी चुने हुए अथवा दिए गए सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं और घटनाओं में अंतर को निरूपित करता है. विद्यार्थी ये मानता है कि वस्तुओं और घटनाओं को समुदाय में बांटने के कई अलग अलग तरीके हैं. विद्यार्थी समानता और अंतर के आधार पर वस्तुओं और गोचर पदार्थों में भेद करता है. विद्यार्थी उन गुणों को जानता है और उनका नामकरण करता है, इसके आधार पर क्रमबद्धता तय की जाती है. उसके बाद है अंकों का प्रयोग और मापन. अब इसमें विद्यार्थी क्या करेगा, यथार्थ मापन को अधिमान्यता देता है, अंकों को क्रमबद्ध करता है और अंकों के संबंध को निर्धारित करता है. परिवर्तनशील वस्तुओं की तुलना करना, मापन और अनुमान और तर्क करता है. घटनाओं में संबंधों की व्याख्या करने के लिए मापन की आवश्यकता का मान करता है. समुच्चय और उनके अवयवों को पहचानता है. लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय, तापमान और वजन को उपयुक्त उपकरण की सहायता से मापन प्रदर्शन करता है. उन परिस्थितियों का चुनाव करता है जब मापन और अंकन का लंबाई, क्षेत्रफल, आकार और भार को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है. विभिन्न आकार और माप के क्षेत्रफल और द्रव्यमान की तुलना करता है. वस्तुओं और घटनाओं के मापन और अंकन के अंतर का भेद करना जानता है. अगला है स्थान समय संबंध का इस्तेमाल करना. करें पर्यावरणीय घटनाओं में परिवर्तन की प्रवृत्ति की व्याख्या करता है. विद्यार्थी प्राकृतिक और सामाजिक प्रणाली की गतिमान प्रवृत्ति का मान करता है और सामाजिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अलग
और निरंतर बदलाव के प्रति सावधानी को पुष्टि को पुष्ट करता है। दूसरे पदार्थों की तुलना में विशिष्ट पदार्थों को जानता है। आकाशीय स्थिति में परिवर्तन की तुलना करता है। प्राकृतिक और सामाजिक अति समय प्रतिभास में संबंध स्थापित करता है। अति दूर और समय के अनुसार प्राकृतिक और सामाजिक प्रतिभास में परिवर्तन के सामान्य अनुमान की व्याख्या करने के लिए प्रयोगात्मक प्रयास की पुष्टि भी करता है। अंतराल में वस्तुओं की दिशा और गति को पहचानता भी है विद्यार्थी। अगला है संचार संबंधी, कि इच्छा पूर्वक दूसरों के विचारों और तर्कों को स्वीकार करता है, विचारों की सहभागिता करता है। पर्यावरण से सूचनाओं के उपयुक्त साधनों को निर्धारित कर सकता है। प्रेक्षणों और परिणामों का उपयुक्त वाक्य शैली में रूपांतरण कर सकता है। सामूहिक क्रियाकलापों में स्वेच्छापूर्वक शामिल होता है। पदार्थ प्रपंच प्रवृत्ति प्रयोग करने की पद्धति का शब्दों से आवाजों से चित्र खींचकर लिखकर और प्रदर्शन द्वारा निश्चित रूप से व्यवहार कर सकता है। सुसंगत नए शब्दों आवाजों क्रियाओं यांत्रिक उपकरणों और शुद्धता से उपयोग करता है। अगला है पूर्व अनुमान लगाकर परिकल्पनाओं का निर्माण करना, कि उपलब्ध नए तथ्यों के आधार पर संपत्ति के संशोधन की आवश्यकता का मान करता है। प्राप्त आंकड़ों और पूर्व ज्ञान के आधार पर कल्पनाओं आशयों और प्रवृत्तियों की व्यक्त करता है। विचारों और तर्क वितर्कों का सुदृढ़ और तार्किक तर्कों से समर्थन करता है। चरों में संबंधों के आधार पर सिद्धांतों का आविष्कार कर सकता है। परिवर्तनशील वस्तु संबंधों को तर्क संगत कर सकता है और प्रमाण और परिणाम का सत्यापन कर सकता है। उसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या करना, कि चरों से संबंधों को स्थापित करता है। क्रमबद्ध अन्वेषण की आदत का निर्माण करता है। आंकड़ों को सिद्धिपूर्वक संगठित करता है। प्रेक्षित दृश्य घटनाओं की प्रवृत्ति प्रतिरूप की तुलना करता है। जब तक उपयुक्त आंकड़े अपना हो जाए तब तक निर्णय को निलंबित करता है। गोचर पदार्थों में संबंधों की अनुमानित या तर्क संगत करता है। प्रधान स्वसंग या विचारणीय विषय और कल्पनाओं को अभिजात करता है। अगला है प्रयोग करना, मतलब एक्सपेरिमेंटिंग, कि संभव और अन्वेषात्मक परिणामों सुझावों को इंगित करता है। अनुसंधान के लिए विशिष्ट यांत्रिक उपकरणों को तैयार करता है। सुरक्षा संबंधी विज्ञान और नियमों का पालन करता है। ईमानदारी से परिणामों को प्रेषित करने का अभ्यास करता है। प्रश्न पूछता है और उन समस्याओं को पहचानता है जिनके अनुसंधान और प्रयोग द्वारा हल संभव है। स्वेच्छापूर्वक औजारों उपकरण और जीवित वस्तुओं का सावधानीपूर्वक अनुरक्षण करने का दायित्व भी लेता है। चरों में यथासंभव संबंधों को दृढ़ करता है। क्रमबद्धता से अनुसंधान का प्रयोग करता है। अनुसंधानों के उपक्रम में अपना इंटरेस्ट भी दिखाता है। प्रयोग करने के लिए सुसंगत उपकरणों को इकट्ठा करता है या बनाता है। उपकरणों को कुशलतापूर्वक काम में लाता है। ये सारे काम जो हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन करता है, विद्यार्थी करते हैं। विद्यार्थी के ये सारे काम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने का क्या महत्व है। सामाजिक अध्ययन में प्रश्न के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग की यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो कह रहे हैं पाठ्य सामग्री को सिंपल और स्पष्ट करने में प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। शिक्षण की कुशलता और निपुणता एफिशिएंसी जो होती है टीचिंग की, बहुत कुछ प्रश्नों के पूछने की कुशलता पर निर्भर करती है। प्रश्न पूछना भी एक कला होती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति निपुण नहीं हो पाता है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सबको कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए और उन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब कौन सी बातें हैं, कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य, मतलब मैं प्रश्न अगर पूछ रही हूँ तो मैं क्यों पूछ रही हूँ। प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं। अच्छे प्रश्न की विशेष विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। दोषपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं। प्रश्न को किस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। तो ये सब विद्यार्थी अध्यापक को पता होना चाहिए। अब पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने के उद्देश्य, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए। पहला है बालक को अभिप्रेरित करने के लिए, जिससे उनको ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित हो। बालकों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। बालकों के पूर्व ज्ञान और मंदोषा की परीक्षा के लिए, जिससे अर्जित ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान का वितरण हो सके। बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभवों से जोड़ने के लिए, नए अनुभवों से जोड़ने के लिए। बालकों के साथ सहयोग से साथ से पाठ को विकसित करने के लिए, जिससे वे मानसिक दृष्टि से क्रियाशील रहे और उनके विचार कल्पना चिंतन अवलोकन निरीक्षण और विश्लेषण आदि सभी मानसिक शक्तियां विकसित हो जाए। बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए, बालक की मानसिक उपलब्धि को एक निश्चित दिशा और गति देने के लिए। बालकों के बोध का मूल्यांकन करने के लिए, जिससे ये पता लगे कि उन्होंने कितना अधिगम किया, मतलब कितनी लर्निंग उनकी हो चुकी कितना नहीं, और अधिगम न करने के क्या कारण है। इन कारणों को दूर करने के लिए शिक्षण विधि में आवश्यक सुधार क्या हो सकते हैं। अगला है बालकों और
शिक्षकों का मूल पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके। बालकों की झिझक को दूर करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति शक्ति विकसित हो जाए। बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को ध्याने और प्रयोग करने के लिए, ये उद्देश्य होते हैं पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने के। अगला है प्रश्नों के स्पष्ट विभेद या अंतर। तो कह रहे हैं मानसिक क्रिया के आधार पर प्रश्नों को दो भागे बांटा गया है। पहला है स्मृतियात्मक प्रश्न, और दूसरे होते हैं विचारात्मक प्रश्न। ठीक है, तो स्मृतियात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं उनका उत्तर बालक अपनी अपनी स्मृति के आधार पर, मतलब अपनी मेमोरी के आधार पर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए किया जाता है कि उन्होंने कितना पहले सीख लिया है। ये जो प्रश्न होते हैं वो कैसा, कब, कौन से, कितने आदि से आरंभ होते हैं, जैसे चीन में ने भारत पर आक्रमण कब किया था। जो दूसरे तरह के प्रश्न है विचारात्मक प्रश्न, उनको कहते हैं उनका उत्तर देने के बालकों को कल्पना और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता है, देश की खाद्य समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरे जो वर्गीकरण के अनुसार जो विचारात्मक प्रश्न है, इनको अगेन दो भागों में बांटा गया है। पहला शिक्षात्मक प्रश्न और दूसरा है परीक्षात्मक प्रश्न। शिक्षात्मक प्रश्न मुख्यतः की सहायता से बालकों को कल्पना, विचार और तर्क के द्वारा परिणाम निकालने के लिए इस प्रकार से हम प्रेरित करें कि वह नवीन ज्ञान को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। जैसे भारत में अधिक अनाज पैदा करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। परीक्षात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके द्वारा बालकों के ज्ञान और स्मृति की परख हो। ऐसे प्रश्न द्वारा शिक्षक को इस बात का पता लगता है कि उसका शिक्षण सफल हुआ है या नहीं हुआ। जैसे सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू आरंभ हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, तो इस तरह के प्रश्नों से परीक्षात्मक प्रश्न के हम प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अब विचार विमर्श के अनुसार वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उसके अनुसार भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है विस्तृत प्रश्न और दूसरा है प्रकरणात्मक प्रश्न। तो विस्तृत प्रश्न कौन से होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न का स्वरूप सामान्य होता है लेकिन उत्तर उनका काफी विस्तृत होता है। रामायण में राम का क्या स्वरूप है। प्रकरणात्मक प्रश्न में इस प्रश्नों में प्रकरण या प्रसंग को महत्व है, राम वन गमन के क्या कारण थे, तो एक पूरा प्रसंग जो है बच्चे से पूछ लिया जाता है। अगला है शिक्षण कार्य अनुसार वर्गीकरण। शिक्षक के कार्य के अनुसार भी प्रश्न को बांटा गया है। पहला है स्वाभाविक प्रश्न, इसमें प्रश्न सामान्य सहज रूप से है, इसमें से सूचना हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है औपचारिक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जो कि मात्र औपचारिकता के लिए किए जाते हैं। प्रश्नोत्तर का प्रश्नकर्ता एवं उत्तरदाता या छात्र दोनों ही जानते या समझते हैं। प्रश्नों के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण, प्रश्नों के उद्देश्य के अनुसार भी उनको वर्गीकृत किया गया। पहला है प्रत्यास्मरण एवं अभिस्वीकारात्मक प्रश्न, इसमें क्या होता है कि शक्तियों को विकसित करते हैं। इस वर्ग में प्रत्यास्मरण का रूप प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बहुत निर्वचन प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और वर्गीकरण के प्रश्नों का क्रम चलता है। विवेकात्मक प्रश्न में क्या होता है कि इसमें छात्रों की प्रतिभा और विवेक शक्ति का विकास करने वाले प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हम विवेकात्मक प्रश्न कहते हैं। तो करें जो प्रश्न समानता असमानता के अंतर को बताएं, मूलतः इस प्रकार के प्रश्न तुलनात्मक प्रश्न माने जाते हैं। ये तुलना साहित्य में उपमा अलंकार की ही करते हैं, ही तरह होते हैं। करें प्रश्न जो कि समस्या का समाधान या वाद विवाद की समस्या का हल निकालते हैं। विश्लेषणात्मक और विसंश्लेषणात्मक प्रश्न और निर्णयात्मक प्रश्न, निर्णयात्मक प्रश्न निर्णय करके समस्या का समाधान करते हैं। अब स्टिलिंग विश्वविद्यालय के अनुसार भी वर्गीकरण है। पहला है निम्न स्तर के प्रश्न, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य प्रश्न कहलाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से प्रत्यास्मरण और परिसंख्यात्मक शक्ति का विकास करते हैं। इसमें बालक की स्मृति की परीक्षा ली जाती है, बालक तथ्यों और परिभाषाओं को यहाँ पे याद करते हैं। फिर है मध्यम स्तर के प्रश्न। मध्यम स्तर के प्रश्नों में बालक के पूर्व ज्ञान, जो पहला प्री नॉलेज है उसकी, उसमें समाहित ज्ञान की परीक्षण किया जाता है। उच्च स्तर के प्रश्नों में क्या होता है कि बच्चे की तर्क शक्ति का विकास करने वाले प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, नए ज्ञान की ओर यहाँ पे अग्रसर किया जाता है। अगला है अनुवर्ती प्रश्न, फॉलोअप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, अनुवर्ती, अनुबोध प्रश्न, कि यहाँ पे छोटे छोटे लघु प्रश्न किए जाते हैं। अनुवर्ती खोजपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे जो है पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान के साथ यह संबंध स्थापित करते हुए सर्वथा प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए खोजपूर्ण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है प्रक्रिया का। फिर अनुवर्ती पुनर्निर्देशीय प्रश्न, इसमें इस प्रश्न के माध्यम से बालकों को विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार करते हैं, तो जानने के लिए प्रश्न को दो या तीन छात्रों से पूछा जाता है। ठीक है भाई, अगला है पर्यावरण अध्ययन में से प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार। अब पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है प्रस्तावनात्मक प्रश्न,
जो शुरुआत में होते हैं, विकासात्मक प्रश्न होते हैं जिनका प्रयोग पाठ के विकासात्मक स्तर पर किया जाता है, मतलब जब पाठ पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है विचारात्मक प्रश्न, ये वो प्रश्न उनकी सहायता से बालकों की कल्पना तर्क और निर्णय शक्ति का विकास होता है। समस्या के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा पाठ के आरंभ या अंत अथवा दोनों स्तर बालकों के समक्ष कोई समस्या रखी जाती है जिसको सुलझाते हुए बच्चे अपने अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और नए ज्ञान को आत्मसात करते हैं। तुलनात्मक प्रश्न, जो दो चीजों में तुलना करके बताएं। बोध प्रश्न, जिनके सहायता से शिक्षक को पता लगे कि जो बालक पढ़ाई हुई है विषय सामग्री का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चे को। फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन, तो बच्चों को जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करवाने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला है उत्तरों के आकार और प्रकार पर आधारित प्रश्न, कि उत्तर के आधार पर कैसे, भाई उत्तर जो है तो ऐसे टाइप होंगे या लघु होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब या तो लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब निबंधनात्मक प्रश्न, लघु तो मतलब जिसके आंसर छोटे हों, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के चार ऑप्शन होते हैं, एक को टिक करना पड़ता है, सत्य असत्य वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन रह गया है, चलो इसे भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई अच्छे प्रश्नों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी होती हैं? पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न प्रकार के अन्वेषणात्मक उद्देश्य का परीक्षण करने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के रूपों या प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, अब प्रमुख विशेषता क्या है? एक अच्छा प्रश्न जो है वो उद्देश्य की प्राप्ति करता है, मतलब अच्छे प्रश्न से आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। भाषा शुद्ध सरल और स्पष्ट होनी चाहिए प्रश्नों की। नुकीले प्रश्न हो, नुकीले और पैने प्रश्न होने चाहिए कि सभी बालक उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहें। विचार उत्तेजक, मतलब प्रश्न ऐसे होंगे बच्चे को थोड़ा सा अपने मानसिक क्रिया करनी पड़े, थोड़ा सा अपने दिमाग पर वो जोर दे पाए। संक्षिप्त या प्रत्यक्ष प्रश्न होने चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर हो या थोड़ा सा ब्रीफ हो सकता है। निश्चित उत्तर के प्रश्न ऐसा हो, प्रश्न का अर्थ होना चाहिए, मतलब आंसर सामने निकल कर आए। और अच्छा वितरण, के प्रश्नों को पाठ के प्रत्येक भाग से पूछना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक से पूछ लिया बस छुट्टी हो गई, हर पाठ के भाग से एक प्रश्न जरूर होना चाहिए। क्रमबद्धता, के प्रश्न जो है वो श्रेणीबद्ध क्रमिक होने चाहिए। आकार और कठिनाई स्तर में भिन्नता, मतलब प्रश्न के आकार और कठिनाई स्तर में भिन्नता पाई जानी चाहिए। आगे के पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न प्रकार के अन्वेषणात्मक उद्देश्यों का परीक्षण या जांच करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर्मल प्रश्न देखो जरा कि पर्यावरण कैसे कहते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण में आपसे आपका क्या अभिप्राय है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, वनों के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, खनिज किसे कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, संविधान किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, गणतंत्र क्या होता है, संसद के तीन प्रमुख कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से तीन रंग होते हैं, हमारे राष्ट्र पक्ष का नाम बताओ, राष्ट्रीय गान किन किन अवसरों पर गाया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताएं, संचार के साधनों के नाम बताएं, जल का क्या महत्व है, हमें किन किन स्रोतों से जल मिलता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हम पर्यावरण में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद है मूल्यांकन के विभिन्न तरीके या आगामी अधिगम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो दो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको वो आप अच्छे से तैयार कर लें।